दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है जेवर एयरपोर्ट। और जेवर एयरपोर्ट को नमो भारत से जोड़ने के लिए कई सारी चर्चाएं चल रही है और कहा जा रहा है कि नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक LRT को चलाया जाएगा। जी हां गाइस, RRTS को नहीं, LRT को चलाया जाएगा और इसका जो निर्माण कार्य है वो एक ही फेज में तैयार कर लिया जाएगा। तो आइए जानते हैं कैसा होता है LRT, कैसे इसे नोएडा से जेवर एयरपोर्ट तक चलाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, नोएडा एयरपोर्ट को नमो भारत रेल से कनेक्टिविटी के लिए नमो भारत रेल कॉरिडोर का निर्माण दो की जगह एक ही फेज में होगा। निर्माण की लागत 20% 20% केंद्र सरकार और राज्य सरकार देगी, 40% हो गया और बाकी का जो बचा हुआ 60% है उसको NCRTC उठाएगी। NCRTC के निर्माण लागत वहन न करने की स्थिति में GDA, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण व नोएडा इंटरनेशनल कंपनी इसकी लागत मिलकर के वहन करेगी। यमुना प्राधिकरण चेयरमैन अनिल सागर की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई 82वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है। राज्य सरकार की ओर से नमो भारत रेल परियोजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जा चुका है। यमुना प्राधिकरण CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने बताया कि नमो भारत रेल कॉरिडोर पर नोएडा एयरपोर्ट के लिए तेज गति से रैपिड रेल का संचालन होगा। शहर की ट्रांसपोर्ट जरूरत को पूरा करने के लिए मेट्रो व नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी तक 14 किलोमीटर की LRT को चलाया जाएगा। वहीं गाजियाबाद से नोएडा एयरपोर्ट तक करीब करीब 72 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर एक ही फेज में बनाया जाएगा। NCRTC के महाप्रबंधक की ओर से चेयरमैन के सम्मुख परियोजना का प्रस्तुतिकरण भी किया गया है। CEO का कहना है कि नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में नॉलेज पार्क 5 तक एक्वा मेट्रो का 10 किलोमीटर कॉरिडोर इसी परियोजना में समाहित हो जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट में नमो भारत रेल का भूमिगत ट्रैक होगा जो एयरपोर्ट के वर्तमान व भविष्य में बनने वाले सभी टर्मिनल को जोड़ेगा। बोर्ड बैठक में एयरपोर्ट पर बनने वाले GTC में हाई स्पीड रेल, मेट्रो रेल व LRT की कनेक्टिविटी होगी। एयरपोर्ट साइट पर संबंधित परियोजना को स्वीकृति देने वाली कमेटी में भी बदलाव किया गया है। इसमें अब यमुना प्राधिकरण CEO की अध्यक्षता में प्राधिकरण के ही 2 CEO OSD महाप्रबंधक नियोजन होंगे। यमुना प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण व परियोजनाओं के निर्माण के लिए राशि का बंदोबस्त कर लिया है। हुडको से अगले 5 साल में 30,529 करोड़ रुपया ऋण की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। CEO ने बताया कि मेट्रो के लिए 6,326 करोड़ रुपया और LRT के लिए 641 करोड़ रुपया, इसके अलावा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए 2,637 करोड़ रुपया, लॉजिस्टिक पार्क के लिए 1,705 करोड़ रुपया, इसके अलावा हेरिटेज सिटी के लिए 1,220 करोड़ रुपये की ऋण लिया जाएगा। संस्थागत श्रेणी में अस्पताल, नर्सिंग होम, कारपोरेट के अतिरिक्त सामाजिक कार्यों से संबंधित संस्थाओं के भूखंडों का आवंटन साक्षरताकार से होगा। इसमें स्कूल, प्ले स्कूल, क्रेंच, योग, ध्यान केंद्र, सामाजिक संस्थान आदि शामिल होंगे। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 29 में विकसित होने वाले अप्रैल पार्क को NAC अप्रैल यीडा पार्क के नाम से जाना जाएगा। इसके 13 अवंटियों को 31 दिसंबर तक लीज कराने के लिए बोर्ड ने समय दिया है। तो गाइस, अगर देखा जाए तो जेवर एयरपोर्ट से हर तरह की कनेक्टिविटी अवेलेबल करवाई जाएगी, चाहे वो LRT के रूप में RRTS हो यानी कि नमो भारत, या फिर हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में बुलेट ट्रेन हो, या फिर यमुना एक्सप्रेस वे हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो। हर एक एक्सप्रेस वे को यहाँ से जोड़ा जाएगा, मेट्रो से जोड़ा जाएगा, रेल से जोड़ा जाएगा। हर तरह की यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जो कि भारत से आपको दुनिया के हर एक कोने में लेकर के जाएगा। इसलिए इसे भारत के हर एक जिले, हर एक राज्य से कनेक्टिविटी प्रदान करना बहुत ही जरूरी है। और इसी में नोएडा से जेवर एयरपोर्ट के लिए LRT को चलाया जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। विदेशों में कई जगह पर LRT चलती है जिसका लुक इस प्रकार का है। और इस तरह का लुक ही आपको नोएडा से जेवर एयरपोर्ट के बीच में देखने को मिलेगा। तो गाइस, आप जेवर एयरपोर्ट में बन रहे LRT के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भारत के और किन राज्यों में LRT की जरूरत है? क्या LRT RRTS से ज्यादा बेटर है, मेट्रो या बुलेट ट्रेन से ज्यादा बेटर है? क्या सोचते हैं गाइस? आप इन सारी चीजों के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाएं। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।